लवकहवा गांव के पास डिप पर बाढ़ के पानी के तेज धारे में बहा युवक स्थानीय लोगों ने निकाला सुरक्षित। बलरामपुर जनपद के विकास खंड हररिया सतघरवा क्षेत्र के अंतर्गत शिवपुरा कोडरी मार्ग पर लवकहवा गांव के पास डिप पर मार्ग के ऊपर बाढ़ का पानी बह रहा है, तो वहीं तेज बहाव होने के चलते बाइक सवार युवक शुभम शुक्ला निवासी अतरपरी बलरामपुर जिला मुख्यालय से मोटरसाइकिल अपाची से घर वापस आ रहा था। तभी अचानक लवकहवा गांव के पास डिप पर बाढ़ के तेज पानी के धारे में बह गया। ग्रामीण अरविंद हेडली व मारकंडे ने बहते शुभम को देख बचाने के लिए दौड़ पड़े। जब तक पास पहुंचते पहुंचते तब तक मोटरसाइकिल हाथ से छूट गई और तेज धारा में बह गई तथा शुभम डूबने लगे, लेकिन नवयुवकों ने शुभम को तेज पानी के बहाव में डूबने से बचा लिया जबकि मोटरसाइकिल तेज बहाव में बह गई। तत्पश्चात ग्रामीणों ने मोटरसाइकिल की खोज जारी रखी। लगभग 4 घंटे बाद मोटरसाइकिल को भी बाहर निकाल लिया। पुलिस प्रशासन ने दोनों तरफ से आवागमन बंद कर पुलिस टीम तैनात कर दी है। शुभम शुक्ला ने बताया कि मैं आज सुबह दूसरे की मोटरसाइकिल लेकर बलरामपुर दवा कराने के लिए पैसे बैंक से निकालने के लिए गया हुआ था और बैंक से 25,000 रुपये निकाल कर घर वापस जा रहा था। तभी बहाव तेज होने के कारण मैं बहने लगा और मुझको नवयुवकों ने निकाल लिया, लेकिन मोटरसाइकिल व मोबाइल तथा रुपये बह गए। 4 घंटे बाद नवयुवकों ने खोज करके मोटरसाइकिल भी बाहर निकाल लिया। अभी तक शासन प्रशासन की तरफ से कोई नहीं आया है। वहीं इस संबंध में बलरामपुर सदर उप जिलाधिकारी अरुण कुमार गौड़ से बात की गई तो उन्होंने बताया कि मौके पर लेखपाल को जाने के लिए कह दिया है और पुलिस को गश्त के लिए निर्देशित कर दिया गया है तथा नाव को भेजा जा रहा है।